अभियुक्त चोरी की 20 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार। रामपुर के कोतवाली टांडा पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली। टांडा पुलिस ने आज अंतरराज्यीय गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की 20 मोटरसाइकिल और अवैध असला भी बरामद हुआ। आज थाना टांडा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक जगह कुछ लोग मौजूद हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इसी सूचना पर थाना टांडा पुलिस ने और SOG ने मिलकर मुखबिर की सूचना के आधार पर बताए गए स्थान पर छापा मारकर चांद बाबू, रियाज उर्फ राजू, हरीश, नजमुल, फैजुल, मुराद अली, मेराज अली को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया, थाना टांडा पुलिस और SOG टीम के संयुक्त प्रयास से एक बड़ी सफलता रामपुर पुलिस को मिली है। वाहन चोरों का एक गैंग हमारी गिरफ्त में आया है, जिसमें 6 वाहन चोर पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से 20 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 7 कारतूस और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। फिलहाल बरामदगी के आधार पर इन अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। थाना टांडा में 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं सर, क्या मामला है सर? ये थाना टांडा पुलिस और हमारी SOG टीम जो है, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से रामपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वाहन चोरों का एक गैंग हमारी गिरफ्त में आया, जिसमें 6 वाहन चोर पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से 20 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 7 कारतूस और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए। बरामद शुदा जो 20 मोटरसाइकिलें हैं, ये कहाँ से चोरी की गई है, इनके नंबरों के साथ कोई टेम्परिंग की गई है, इनके बारे में कई मुकदमे लिखे हैं, इन सब की जानकारी की जा रही है। फिलहाल बरामदगी के आधार पर इन अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे विवेचना से इन सारी मोटरसाइकिलों को अभियोगों से जोड़ा जाएगा और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की।